आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि डेटा साइंस इज़ फॉर एवरी वन क्या आप ये जानते हैं कि है, डेटा साइंस वाई डेटा साइंस इज़ फॉर एवरी वन आज जितना भी डाटा डिजिटाइज है उसमें से नाइन्टी परसेंट डाटा टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑन डिजिटाइज़ हुआ इससे हमें पता चलता है कि डाटा की इंपॉर्टेंस कितनी है और डेटा जो डिजिटाइज हुआ है उसको डील कैसे करना है और डेफिनेटली इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को डील करने के लिए हमें डाटा साइंस का यूज़ करना पड़ता है दैट्स वाई वी से कि डाटा साइंस इज़ फॉर एवरी अब डेटा साइंस जो है इज़ नॉट डोमेन दैट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कंप्यूटर साइंस यस आपने अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस वजह से यूज की जाती है नॉट बिकॉज ऑफ कंप्यूटर साइंस बट बिकॉज टू डील एंड कम्युनिकेट विद द सिस्टम तो आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग जो कि आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग है फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेटा साइंस पाइथन के थ्रू परफॉर्म करते हैं तो इट्स वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश तो ये कह देना कि हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी तो हम डेटा साइंस नहीं कर सकते तो यू आर गिविंग एक्सक्यूज़ टू द वर्ल्ड क्योंकि जितना भी डाटा डिजिटाइज हुआ है उसको डील करने के लिए आपको कंप्यूटर से और अपने सिस्टम से कम्युनिकेट करना आना होगा सिमिलरली अगर आप 20 इयर्स बैक जाते हैं तो आप ये देखते होंगे जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं लाइक like लैपटॉप या डेस्कटॉप uh, टॉप ये स्पेसिफिकली दिए जाते थे आपके आईटी डिपार्टमेंट को लेकिन अब आप भी यूज़ कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर ये पूछता था आपसे कि क्या आपको सिस्टम लिटरेसी आती है लेकिन अब आप एम्प्लॉयर आपसे ये पूछेगा क्या आपको डेटा लिटरेसी आती है अगर आप टॉप जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और अगर आपको डेटा लिटरेसी नहीं आती तो आपको इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा तो आप लोगों ने मैसेज ये है कि डेटा साइंस इज फॉर एवरीवन बिकॉज 90 परसेंट जो है वो डिजिटाइज हुआ इस 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन के बाद यानी कि कोविड के, के दौरान तो आप लोगों ने भी डाटा साइंस की स्किल्स को लेना है और हमारे सेशंस भी इसी से रिलेटेड होते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं या आप कहीं से भी सीखें बट डाटा लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी थैंक यू दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम माई साइड सी यू